Hello everyone, in this video we're going to learn about the system of elections to the Lok Sabha and we will also learn about some topics regarding parliament. So, as in my previous video I've already told you all ki jo elections hote in the Lok Sabha, they are direct elections. That means everyone who is above the age of 18, me, you, everyone has this right to vote, right? That is under universal adult franchise. So, ab jab ye direct election ko conduct karaya jata hai, So, हर स्टेट में एक ज्योग्राफिकल एरिया को डिवाइड करते हैं इन सम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिगार्डिंग दिस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी देयर आर टू प्रोविजन दैट आर मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन सो द फर्स्ट वन इज दिस कि जितने भी स्टेट्स होंगे उनमें जो सीट्स अलॉट की जाएंगी द नंबर ऑफ सीट्स दैट विल बी अलॉटेड इन ईच स्टेट उनका रेशियो इस तरीके से होना चाहिए उनको इस तरीके से हमें डिवाइड करना होगा इस मैनर में कि जो रेशियो है बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स एंड द पॉपुलेशन लिविंग देयर दैट शुड बी सेम एंड प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशियो थ्रू आउट द नेशन दैट मींस कि कोई भी स्टेट है फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गोवा सिक्किम दीज ऑल स्टेट्स अब इनकी पॉपुलेशन और इनको जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स मिल रही है इनका जो प्रोपोर्शन आएगा जो रेशियो आएगा ये सेम होना चाहिए हर स्टेट में इन इंडिया एंड यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो दैट दिस प्रोविजन ही सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दो स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 6 मिलियन राइट एंड द सेकेंड प्रोविजन रिगार्डिंग दिस थिंग इज दिस दैट ईच स्टेट जिनको भी हम डिवाइड करेंगे दैट इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको हमें इस तरीके से डिवाइड करना है इन सच अ मैनर कि जितनी भी पॉपुलेशन होगी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में और देन उनको जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगी उनका प्रोपोर्शन भी सेम होना चाहिए सो फ्रॉम दीज टू प्रोविजन व्हाट वी कैन गेट इज दिस व्हाट वी आर गेटिंग इज दिस दैट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज मेकिंग दिस इंश्योर कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इन दीज टू रिस्पेक्ट द सीट्स जो कि डिवाइड मिलेंगी इन द स्टेट्स एंड जितनी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम एक स्टेट को डिवाइड करेंगे इन जो इनका जो प्रोपोर्शन रहना चाहिए ये एक यू नो यूनिफॉर्मिटी के साथ इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एंड अब इसके इसमें जो भी हम बात कर रहे हैं कि इस ऑन द बेसिस ऑफ सच पॉपुलेशन विल डिवाइड तो अब ये कहां से पॉपुलेशन विल गेट थ्रू सेंसस जो सेंसस होता है आपकी पॉपुलेशन चेक होती है आफ्टर 10 इयर्स उसके थ्रू वी गिव दैट सीट वी एलोकेट द सीट्स कि कितने कौन से स्टेट को मिले नाउ रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस अब जितने भी सेंसस होते हैं उनके बाद रीएडजस्टमेंट किया जाता है बिकॉज पॉपुलेशन इज नॉट समथिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड इन द केस ऑफ इंडिया इट इज ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग राइट तो अब जब ये बढ़ रही है तो एंड इट इज चेंजिंग अगर हो रही है इन सम स्टेट इन सम अदर स्टेट तो उसके बेसिस में जो नंबर ऑफ सीट्स होती है दे ऑल्सो गेट चेंज सो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा टू द स्टेट्स डिविजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसको ये कौन करेगा इसके लिए पार्लियामेंट को पावर्स दी गई है पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक दिस रीएडजस्टमेंट कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू रीएडजस्ट द सीट्स इन द लोकसभा एंड डिवाइड ईच स्टेट इनटू सम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी द पावर इज इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट फॉर दिस पर्पस अब पार्लियामेंट ने इसको कैसे किया जाए पार्लियामेंट ने कुछ कमीशन एक्ट लाए थे इनैक्ट किए थे एंड दे वर लाइक डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट चार मेजर एक्ट आए थे चार टाइम्स ये डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट को लाया गया था सो द ईयर वर्स 1952 1962 1972 एंड 2002 डीलिमिटेशन का मतलब होता है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ कंट्री टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन समझ वी गेट दिस कि चेंजेस जब होते हैं पॉपुलेशन में उसके अकॉर्डिंग जब हम यू नो फिक्स करते हैं सम लिमिटेशन लिमिट्स एंड सम बाउंड्रीज ऑफ सम पर्टिकुलर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की अच्छा अब इतनी बड़ी है अब इसको विल टेक दिस स्पेस विल गिव दिस स्पेस टू दैट पर्टिकुलर थिंग स्टेट उसको भी सेम एज डीलिमिटेशन है इसी के चार कमीशन एक्ट आए थे इन 1952 इन 1962 इन 1972 एंड इन 2002 नाउ 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने क्या किया इसने फ्रोज कर दी एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा टू द स्टेट्स एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी टिल द ईयर 2000 मतलब 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसने कहा था कि अब वी विल
मतलब फ्रूज कर दिए सीट्स एंड द डिवीजन ऑफ दैट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी टिल द ईयर 2000. लेटर ऑन क्या होता है, इन 2001 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है जो इस बैन ऑन री एडजस्टमेंट को फिर से एक्सटेंड कर देता है, बढ़ा देता है इस बैन को कि अब जो फ्रोज ये आपने कर दिए, वी विल एक्सटेंड दिस. ये कब हुआ, इन 2001 अंडर 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो पॉपुलेशन है उनका मेजर्स, पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स. नाउ वी लुक एट दैट व्हाट इज सो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने ऐसा किया था कि इन्होंने फ्रोज कर दिया था फॉर मोर ईयर, फॉर मोर टाइम. इसी के साथ इस एक्ट ने गवर्नमेंट को ये पावर भी दी, इट हैज एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू अंडरटेक रीएडजस्टमेंट एंड रेशनलाइजेशन ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फिगर्स ऑफ 1991 सेंसस. 1991 के बाद 2001 में हुआ, देन 2011 में हुआ. तो पहले 84th अमेंडमेंट एक्ट जो था उसने 1991 के सेंसस के हिसाब से कहा था कि आप रीएलोकेशन करिएगा, रीएडजस्टमेंट आप कर सकते हो. लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, इन 2003 अमेंडमेंट एक्ट केम, दैट वाज 87th अमेंडमेंट एक्ट, जिसने क्या प्रोवाइड किया, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस, नॉट 1991 सेंसस. इससे पहले इट वाज 1991 सेंसस की इसके बेसिस पे you gonna give the number of seats to that particular, to one any particular state. But after 87th amendment act what happened, jo basis liya gaya it was not 1991, it was 2001. Right, now we'll look at the topic reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes. Inka bhi jo reservation inko milta hai that is on the basis of population ratio. So originally kya hua tha ki jo reservation tha that was to operate for just 10 years up to 1960, but hum dekh rahe hain it has been extended continuously since then by 10 years every time. But baar baar amendments laye jaate hain and ye jo reservation ka system hai for SCs and STs isko extend kar diya ja raha hai for every next 10 years. Agar hum latest amendment act ki baat kare so that was passed regarding reservation of seats by 104th constitutional amendment act, jisme kya kar diya gaya tha, right. In the last video, I also told you कि जो provision था of nominating Anglo-Indians by president to Anglo-Indians from two people from Anglo-Indian community, उसको seize कर दिया गया है by this 104th Constitutional Amendment Act. But the same Constitutional Amendment Act has extended the reservation for scheduled caste and scheduled tribe again for the next 10 years. Now the next topic is first past the post system. So this is also known as simple majority system or plurality system. इससे आप we can get this very easily from this term simple majority system. मतलब this person या फिर जिसकी भी ज़्यादा the party that will have the simple majority 50+1. तो that will be the winner. Constitution ने adopt किया था the system of proportional representation in the case of Raj Sabha. Raj Sabha में ऐसा कुछ नहीं है कि you have to make territorial constituency then you know. ऐसा सिस्टम नहीं है, वहां पे है प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन, जहां पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, नॉट सेम इन द केस ऑफ लोकसभा. ऐसी चीज वी कांट सी दिस इन लोकसभा. इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट हैपेंड हियर, कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया द सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, दैट द स्टेट गोना डिवाइड इनटू सम ज्योग्राफिकल एरिया दैट इज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड वहां पे होगा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू द लोकसभा. And under this territorial representation, हर member of the legislature represents a geographical area जिसको कहा जाता है constituency. And from each state, एक ही member select होगा. That's why this is also known as single member constituency because it's just have the membership of one person, right? और जो candidate सबसे ज़्यादा majority में, you know, who will secure majority of votes, that will be declared elected and वो जीत जाएगा. After this, we have the next topic that is duration of two houses. Parliament के तीन parts होते हैं, I've already told you, Lok Sabha, Raj Sabha and President. अब इन Lok Sabha and Raj Sabha के कुछ duration होते हैं. So we will learn कि what is the duration, कितने time period के लिए they are, they works, right? So the first we're going to learn about duration of Raj Sabha. So the first constituted, it was first constituted in the year 1952. 1952 में first time it was
constituted and it is a permanent body. वो continuous है, that means राज्यसभा is not subject to dissolve. इसको dissolve नहीं किया जा सकता है, as we see लोकसभा को कर सकते हैं before उनका term complete होना हो, वो हो सकता है, but राज्यसभा को we can't dissolve. However, इसके अलावा क्या होता है, 1/3 members retire every second year. हर दूसरे साल के बाद जो 1/3 members होते हैं, they get retired. Now you have to also keep this point in mind कि जो members retired होते हैं, these retired members, they are eligible again for re-election and re-nomination and for any number of times. That means they have this great privilege कि even after retiring, you have this opportunity to again stand for the elections and for nomination and for any number of time. Constitution ने क्या किया है, कोई number नहीं fix किया है, not fix the term of office of the members of the Raj Sabha, and इसने ये पूरी छूट दे रखी है parliament को कि it is in your hand कि आप क्या करना चाहते हो regarding the term of office of the Raj Sabha members. So parliament ने क्या किया है, इसने act लाया था Representation of People Act 1951, जिसमें provide किया गया कि जो term of office रहेगा for the member of Raj Sabha, that shall be 6 years. So you have to remember कि जो term होता है for the members of Raj Sabha, it is just 6 years. Now if we talk about duration of Lok Sabha, then we have to learn here कि ये permanent body नहीं है, ये continuing chamber नहीं है, it's इनका normal term, मतलब इसको dissolve किया जा सकता है, president कर सकते हैं. इनका normal term जो होता है members का, it is for 5 years. जो फर्स्ट मीटिंग होती है आफ्टर द जनरल इलेक्शन से लेके 5 इयर्स जस्ट सेम जो डेट आ जाती है, सो इट ऑटोमेटिकली गेट्स डिसॉल्व, सो इट इज जस्ट फॉर 5 इयर्स. हाउएवर सिर्फ इसका टर्म तो फिक्स्ड है फॉर 5 इयर्स, बट प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, इट हैज दिस ऑथोरिटी टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स, एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. फर्दर जो टर्म होता है लोकसभा का, दैट कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी. बाय चांस कोई नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, सो इट हैज द पावर कि लोकसभा के पास ये होता है कि इसका जो टर्म होता है, इट कैन गेट एक्सटेंडेड, सो दैट वर्क चलता रहे, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ड्यूरेशन एंड द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा. आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो. Well, thank you and wish you a good day and good life. Bye.